हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, हमारे सेल्स के अंदर जो प्रोटीन का प्रोडक्शन का काम होता है वो हमारे राइबोसोम्स करते हैं। हमारे प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, उनकी फोल्डिंग, ये सब काम कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स के अंदर होता है। ओके, तो कैसे होता है हम वो सब आज के लेक्चर में अच्छे से जानेंगे। ये हमारा एक बन शेप का स्ट्रक्चर है। बन मतलब आपका बर्गर, मान लो आप बर्गर में ऊपर वाला का बन होता है, नीचे वाला बन होता है, बीच में आपकी टिक्की आती है ना, ऐसे ही शेप का आपका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला बन। ये जब आपस में दोनों कंबाइन हो जाते हैं मिलके, ये आपका राइबोसोम बनाते हैं। इसमें जो आपका ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल सब यूनिट। हमारा जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होता है, इनके राइबोसोम में क्या डिफरेंस होता है? यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होगा वो होगा 80S का, जबकि जो प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होता है वो होता है 70S। S मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट, या फिर आप बोल सकते हैं सेडवर्ग यूनिट, या आपका सेडवर्ग यूनिट होती है। यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम होगा वो जो 80S बना वो आपका 60S और 40S से मिलकर बना। जो लार्ज सब यूनिट है वो आपकी 60S की है और स्मॉल सब यूनिट 40S की है, जबकि जो प्रोकैरियोट है उनमें 50S और 30S से ये मिलके बना 70S। अब आप बोलेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे अगर, तो 60 और 40 प्लस करेंगे तो आपका 100 होता है, ये 80 कैसे आ गया? या फिर प्रोकैरियोट्स में आप बोलेंगे 50 और 30 आपका ऐड करेंगे तो 80 होता है, ये 70 क्यों आया? तो आपका क्या होता है ना, जब लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट जब अलग अलग होती हैं, तब इनकी जो डेंसिटी होती है, सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट होता है, तब इसका 60S होता है। अगर इसका मैं सेपरेट देखूंगा, अगर मैं इसका सेपरेट करूंगा तो सेपरेटली इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट कितना आएगा, 60S आएगा। इसका कितना आएगा सेपरेटली, 40S आएगा। लेकिन जब ये कंबाइन होके हमारा एक प्रॉपर राइबोसोम बना देते हैं तो इनका सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट कितना हो जाता है, 80S हो जाता है। ऐसे ही सेम इसमें भी 50S होता है अलग और 30S होता है अलग, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो कितना हो जाता है इनका सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट, 70S हो जाता है। इनको ऐड नहीं करना होता है, कुछ घट जाता है इनका सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट, इनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, तो ऊपर वाले जो है आपका लार्ज सब यूनिट और नीचे वाले जो है आपके वो है स्मॉल सब यूनिट। जो आपका 60S वाला है यूकैरियोट्स में, वो आपके तीन इसमें अगर आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपके उसमें तीन मिलेंगे, तीन आपके राइबोसोमल यूनिट्स मिलेंगे। कौन कौन से? 28S, 5.8S और 5S। सबसे नीचे आपका 28S मिलेगा, उससे ऊपर आपको 5.8S मिलेगा और उससे ऊपर आपको 5S मिलेगा। ऐसे ही अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो 50S किस किस से मिलके बना है, ये आपका दो से मिलके बना है, कौन कौन से? 23S और 5S से। अब हम यूकैरियोट्स में अगर 40S की बात करें स्मॉल सब यूनिट की, तो ये आपका किससे मिलके बना है, 18S से। और आपका जो प्रोकैरियोट्स में 30S है वो आपका किससे मिलके बना है, 16S से। बाकी इसमें जो बाकी जो यूनिट हैं आपके, बाकी सब क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, अलग अलग आपके कुछ प्रोटीन्स मिलके बनेंगे, S1, S2, S3, इन सब मिला के आपका बन जाता है। ओके, तो ये आपका डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के राइबोसोम्स में। अब ये आ गया हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें आपका ये क्या आ गया, mRNA का स्ट्रैंड आ गया। जैसे आप बर्गर के अंदर बीच में टिक्की होती है ना, ऐसे ही इसमें क्या आ गया, mRNA स्ट्रैंड आ गया। ये mRNA का आपका स्ट्रैंड हो गया। ऊपर से आपका आया ये tRNA, मतलब ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA के ऊपर आपको देखेंगे आप तो ये आपको एक अमीनो एसिड जुड़ा हुआ मिलता है। ये आपका एक ट्रांसफर RNA है, दूसरा ये इधर आएगा, mRNA पे अटैच होगा और ये इसका एक राइबोसोम इस पे ऐड हो जाएगा। तो आपकी क्या हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड आपकी चेन बन रही है, आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है, आपका प्रोटीन का आपका बन रहा है इससे धीरे धीरे करके। ऐसे ही नेक्स्ट tRNA आएगा और इस पे आके जुड़ जाएगा और इसको एक अमीनो एसिड दे देगा। ऐसे ही कर करके आपका एक के बाद एक आपके अमीनो एसिड्स इस पे जुड़ते चले जाएंगे और ये इससे उसके बाद डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये आपकी प्रोटीन की चेन बन गई। इसके बाद इसकी फोल्डिंग होगी, प्रोटीन आपकी फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी चेन जो लॉन्ग चेन है वो आपकी फोल्ड हो गई और आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। जब हमारे काफी सारे राइबोसोम्स सिर्फ एक ही mRNA स्ट्रैंड से अटैच होते हैं
तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजोम बोलते हैं। इसमें जो राइबोसोम्स होंगे वो आपके अपने अलग अलग आपके प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे, अलग अलग आपके अमीनो एसिड्स का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे जो कि आपका आगे जाके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीजोम बोलेंगे। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। इसका पहला फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स जो होता है, हमारा सबसे मेन काम क्या है इसका, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना हमारे सेल के अंदर। दूसरा इसका काम है ट्रांसलेशन इनिशिएशन, मतलब कि आपका ट्रांसलेशन को शुरुआत कराना। राइबोसोम्स आपने देखा कि जो बाइंड हो रहा है एमआरएनए से, अभी आपका जो हमने देखा था कि राइबोसोम्स आपका बाइंड हुआ एमआरएनए मॉलिक्यूल से, जिससे आपका प्रोटीन कोडिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद आता है आपका पॉलीपेप्टाइड इलोंगेशन। आपने देखा कि आपका आपका जो है एमआरएनए मॉलिक्यूल मूव करते रहेगा, और आपका टीआरएनए जब आएगा तो उसके ऊपर से जो राइबोसोम है, आपका जो एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, वो आपका एक के ऊपर एक जुड़ते चले जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका पॉलीपेप्टाइड आपका बढ़ रहा है, पॉलीपेप्टाइड आपकी चेन बन रही है। इसके अलावा राइबोसोम्स एक इन्वायरमेंट देता है जिससे कि आपका प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग हो पाए। आपने देखा था जब प्रोटीन आपका अलग हुआ उससे, उसके बाद वो फोल्डिंग हुई उसकी, ताकि वो आपका प्रोटीन आपके स्ट्रक्चर में आ पाया, और उसके बाद वो अपने सेलुलर कंपार्टमेंट्स में जहां पे उसकी जरूरत होती है वो चले जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था राइबोसोम्स का। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा और आपको समझ में आया होगा कि राइबोसोम्स का हमारे सेल के अंदर क्या काम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।